माजी में जीना इसके गमों और उलझनों को याद करते रहना और इन पर रंज करना बेवकूफ़ी और हमाकत है, उससे इरादा मदमहल और मौजूदा जिंदगी मुकद्दर हो जाएगी। हुक्मा कहते हैं माजी की फाइल लपेट कर रखती, चाहे उसे खोला ना जाना चाहिए बल्कि हमेशा के लिए भुला देना चाहिए। उसे किसी दरबा में डालकर बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो गुजर गया वो गुजर चुका और न उसकी याद उसे लौटेगी, न कोई गम या रंज व फिक्र उसे जिंदा कर सकती है। क्योंकि माजी का मतलब है अदम, माजी परस्ती के मर्ज में मुबतला मत रहिए, जो छूट गया उसकी परछाइयों से पीछा छुड़ाइए। क्योंकि आप दरिया को असल की तरफ, सूरज को मुतला की तरफ, बच्चे को माँ के पेट में, दूध को छाती में और आंसू को आंख में वापस कभी नहीं ला सकते। माजी के साये में रहना, उसे याद करते रहना, उसकी आग में जलना एक अफसोसनाक, अलमनाक और मरोग खुन बात है। माजी की किताब पढ़ने से हाजिर की बर्बादी और वक्त का जिया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में गुज़श्ता अकवाम का और उनके कामों का तज़किरा किया है और कहा है कि ये एक कौम थी जो गुजर चुकी, यानी उन कौमों का मामला ख़त्म हुआ। माजी के घड़े मुर्दे उखाड़ने और तारीख के पहिए को पलटाने से क्या हासिल, माजी की बात तो दोहराने वाला तो ऐसा है कि कोई पिसे हुए आटे को फिर से पीसे या कटी हुई लकड़ी को फिर से काटे। माजी का रोना रोने वालों के बारे में पिछलों का कहना है कि तुम मुर्दों को कब्रों से ना निकालो। हमारी मुश्किल ये है कि हम हाल से आजिज और माजी से चमटे हुए हैं, अपनी खूबसूरत महलात को यूं ही छोड़कर माजी के बोसीला किलों को रोते रहते हैं। हालांकि माजी को वापस लाने पर तो जिन और इंस जमा होकर भी कादर नहीं हो सकते। लोग पीछे की तरफ नहीं देखते, हवा आगे को चलती है, पानी आगे को बहता है, कारवां आगे चलता है, यह सुन्नत हयात है, आप इसकी मुखालफत ना करें।